नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। जिसको हम एविडेंस कहते हैं, जिसको हम मनी कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी लाइफ का। इसके होने से चीज़ें आसान हो जाती हैं और आपकी ग्रोथ जो है अच्छे से होती है। जिसकी लाइफ में पैसा नहीं है, जिसकी लाइफ में ये सहूलियत नहीं है, उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। उसके लिए स्पिरिचुअल पाथ पे जाना इज़ नॉट ईजी। उसके लिए स्पिरिचुअल पाथ पे जाना विल टेक लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। अदरवाइज इफ़ यू हैव द मनी देन एनी वन कैन बी स्पिरिचुअल वेरी इजीली, एंड दैट विल बी स्टूपिड। That person will be stupid, and that person will not make any sense if he is not going into spirituality, because life has made it very simple for him. लेकिन अगर एक हम गरीब आदमी की बात करें, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। It will take lots of intelligence to actually be on the path. So, आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स देखेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कीवर्ड्स हैं प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट, लग्जरी, इनहेरिटेंस, रिटायरमेंट, इस्टैब्लिशमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सो कार्ड अपने आप में बहुत सिंपल है। अगर हम इसकी जनरली जो है किसी भी टैरो रीडर से जो है इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उनको पता है कि इसके बारे में लाइक द मैसेज इज़ काइंड ऑफ वेरी ऑब्वियस। लेकिन इसमें एक बड़ा ही एक ऐसा भी मैसेज जो मैं देखता हूँ जो कि बड़ा अनऑब्वियस है, जिसकी मैं आपसे बाद में बात करूँगा, लेकिन जो अभी बहुत ऑब्वियस है पहले उसकी बात करूँगा। ऑब्वियस ये है कि इस कार्ड में इस सम is everything like seems to be like happy, and for most of us we are going to see everything is fine, everything is good, but maybe one of us will also be able to see something which is odd. तो उस odd की मैं जल्दी ही बात करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, card में एक तो abundance show करती है, materialism show करता है, wealth show करता है, एक हैप्पी फैमिली कहीं ना कहीं डिनोट की गई है, जिसके अंदर जिसको दैट शोज यू नो दैट दे हैव इट्स अ लॉन्ग लीनेज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मनी विच दे हैव गॉन थ्रू, और उन्हें बहुत एक ऐसी पोजीशन में आज वो पहुंच गए हैं कि उनके पास लाइफ में सब कुछ है। एक बूढ़ा आदमी दिखाया है जो कि अपनी फैमिली को देख रहा है, एंड ही इज़ हैप्पी, ही इज़ रिटायर्ड, एंड हिज डॉग्स आर प्लेइंग विद हिम, एंड हम देखें तो कपल जो है वो आपस में इट्स लाइक इट शोज अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ यू नो सीन विच इज़ हैपनिंग। और प्लस हम नीचे देखते हैं एक बच्चा जो इस वुमन के साथ है, सो प्रॉब्ली शी इज़ द मदर एंड दिस इज़ द किड। और हम पीछे देखते हैं कि एक प्रोस्पैरिटी शो करती है, एंड दिस इज़ द रियल इस्टेट काइंड ऑफ विच इज़ शोन, the abundance which is there, and the coins which are shown, all 10 coins are shown, which means like किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, there is everything which is available in this card. So this card is a symbol of financial security and accomplishment and comfort. ये card जो है इसको fulfillment card भी कहा जाता है, क्योंकि एक retired आदमी दिखाया गया है जिसको अपनी life में जो उसने मेहनत करी है आज वो एक ऐसी स्टेज में है कि उसको वो रिटायर्ड है, और वो अब जो उसने रिचनेस जो उसने इकट्ठी करी है उसको वो जी रहा है। ही लुक्स रिटायर्ड एंड रिलैक्स्ड, ही रेस्ट एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, लुक्स एट द लाइफ ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों की लाइफ देख रहा है और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खेलते हुए देख रहा है, उसके डॉग्स उसके आसपास हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ हैप्पी एनवायरनमेंट विच इज़ शोन, एंड ही हैज़ अकम्प्लिश्ड अ लॉट, एंड
उसने इतना एकम्प्लिश कर लिया है कि उसकी आने वाली जनरेशन जो हैं उनको अगर वो नहीं भी कुछ करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना कुछ इकट्ठा हो गया। थोड़े से और पॉइंट्स हैं जो मैं बात करना चाहूँगा, वो ये कि इट शोज द कम्प्लीशन ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड जर्नी, एंड इट ऑल्सो शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशन बींग अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। एक ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली जो कि हमेशा से परंपरा में रही है, और अपने आप को उसने जो है परंपरा में बहुत सेफ महसूस करा है इन दैट हेरिटेज। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ सिचुएशन विच इज़ शोन हेयर इन दिस कार्ड, एंड इट्स अ कार्ड ऑफ एफ्लुएंस एंड वेल्थ विच वी कैन ऑलरेडी सी इट, एंड मटेरियल अबंडेंस इज देयर, गुड फॉर्चून इज देयर, ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द गुड नोट। तो बड़ा मुश्किल होगा कि इसमें कुछ नेगेटिविटी हम देख सकें, क्योंकि सब कुछ ही अच्छा हो रहा है। और जब भी हम बात करते हैं कि अपनी लाइफ में हमें जिस कार्ड की हम विश करते हैं मोस्टली, जो बहुत सारे जो टैरो रीडर्स जो हैं जब इसको वो इस चीज़ को समझते हैं कि टेन ऑफ पेंटिकल्स का आना जो है मोस्टली समझा जाता है कि यू नो दैट वेल्थ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट accomplishment is happening, that you have come to a stage where everything is beautiful and relaxed, there is stability and there is security. So very strong financial security is shown, which means you don't have to worry at all. और इसमें अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इट ऑफ कोर्स इट शोज लाइक द काइंड ऑफ अबंडेंस व्हिच इज शोन, एंड प्रॉब्ली दिस पर्सन इज नॉट He doesn't have to work at all because there is lot of money which is already there, or he has already entered into some kind of a business or kind of a job or something which is yielding him lots of money. And agar hum personality ki baat karenge to ye personality hogi someone having a good reputation and goodwill. Ye wo aadmi ho sakta hai jiski bahut achhi reputation hogi aur goodwill hogi market mein, and who is traditional and comes from a heritage, jo ki maine pehle bhi baat kari. So overall it's a blessed, it's a positive card. Agar hum spirituality ki baat karein to of course it shows peace, joy, prosperity, enjoying wealth and abundance, and you are on the spiritual path, all the support is being given to you. To video ke shuruaat mein maine jo ye baat boli ki agar aapke paas jo hai ye wealth aur ye support hai, then spiritual journey becomes very easy. But अगर आपके पास ये support नहीं है तो आपका most of the time will go into earning the basics of life. ज़्यादातर समय आपका जो है रोटी पानी कपड़ा मकान ही arrange करने में चला जाएगा, and which is also a sad part of life, you know. But somehow God has given you that richness, that even if you are from that low background where the money is not there much, if you have that seed, if the God has given you that seed, then you don't have to worry at all, everything will be taken care. And as far as I see, life is all about being blessed. It means, you know, that money, security, stability is going to come to you if you are connected with the God. अगर आप उस नाम के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप उस गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू. सो वन जस्ट नीड्स टू हैव फेथ इनसाइड, एंड एक अंदर से एक भरोसा अपने अंदर रखना. इन द टाइम्स यू नो व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट, जब सिचुएशन जब बाहर ठीक नहीं है, देर इज़ ओनली वन प्लेस टू गो विच कैन सपोर्ट यू, विच कैन हेल्प यू, एंड दैट इज़ इनसाइड ऑफ यू. अगर उस वक्त जो है आपने जो है अपनी इनसाइड की सपोर्ट ली इंस्टेड ऑफ सीकिंग सपोर्ट आउटसाइड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर सपोर्ट मत लीजिए, लीजिए बाहर देखिए जो भी सपोर्ट मिल सकता है ज़रूर लीजिए, लेकिन अगर आपको बाहर का दरवाज़ा बंद मिलता है, एक दरवाज़ा सदा के लिए खुला है, वो है आपके भीतर का, वो आपका ध्यान, आपकी भक्ति, आपको वो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगी उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट, that never forget the naam, never forget the guru which is sitting inside of you, which is sitting inside of your heart. He is going to take care of you.
इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट. अब कार्ड का एक ऐसा मीनिंग जो कि बहुत अनयूजुअल है, जो कि शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन ये मेरा टेक है क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें अनयूजुअल देखता हूँ. कार्ड मेरी नज़र में जो है ऑलमोस्ट इट्स पॉजिटिव एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो पहला मीनिंग जो मैंने बोला इट्स मोस्टली दैट ओनली. लेकिन कार्ड में एक जो दूसरा मीनिंग है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि इस कार्ड में अगर आप देखोगे तो देर इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज ऑड फीलिंग विच इज शोन कि लाइक दिस ओल्ड मैन इज सिटिंग नियर द गेट एंड और आदमी का जो चेहरा है वो बैक साइड उसकी दिखाई गई है एंड दैट वुमन इज एक्चुअली जस्ट लुकिंग फ्रॉम हर साइड आईज, यू नो लाइक इज शी इज नॉट रियली लुकिंग प्रॉपरली एट हिम बट शी वॉन्ट्स हिम टू बी देयर बट एट द सेम टाइम शी डजंट वॉन्ट हिम टू बी देयर. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक जो दूसरा मीनिंग जो इसके लिए इस कार्ड के लिए निकलता है वो ये कि दिस वुमन एक्चुअली मैरिड अ रिच ओल्ड मैन एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज ऑल्सो हैविंग एन अफेयर आउटसाइड. इट ऑल्सो शोज दैट शी इज ऑल्सो हैविंग अ किड एंड दिस मैन इज लाइक ओल्ड इनफ एंड शी इज नॉट एबल टू एंड ही इज नॉट एबल टू रियली यू नो कोप अप विद दिस यंग वुमन. So this is one of the strange meaning which I have come across because I have to talk about it because this is something which I also feel and it's not important that you have to, you know, take it very seriously. But if you feel that this meaning is actually coming from your intuition, then it will make sense. So this was my reading for you for Ten of Pentacles. और जाते जाते एक कोट जो कि मैंने इसके लिए खोजा है, कोट है मैरियम विलियमसन का. वो कहते हैं द की टू अबंडेंस इज मीटिंग लिमिटेड सर्कमस्टांसिस विद अनलिमिटेड थॉट्स गोइंग टू हैपन. सो इट विल नॉट रियली मीन यू नो दैट द अबंडेंस फ्रॉम द आउटसाइड विल हैपन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द अबंडेंस फ्रॉम इनसाइड इज गोइंग टू हैपन एंड वंस द अबंडेंस फ्रॉम इनसाइड इज हैपनिंग एंड इफ इट हैज हैपेंड then outer abundance is something which can happen anytime. The most important thing is agar aapka heart is like full, agar usko fulfillment mil gayi hai to bahar ki fulfillment kitna der lagegi wo hi mil hi jayegi aur nahi bhi milegi to bhi koi problem nahi because the deep contentment, the deep fulfillment of your life has happened. So main is yahi wish karta hu aapko bhi wo deep कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में मिले, आप गॉड के साथ जुड़ो और आपकी लाइफ भी बहुत रिच हो. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नमस्ते.